नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली को डिस्कस कर लिया है। हम अभी जॉन लॉक को डिस्कस कर रहे हैं और जॉन लॉक से रिलेटेड ये अंतिम लेक्चर है। तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अब बाकी जो तमाम लेक्चर्स पीछे थे उनको जरूर देख कर आए। उसके बाद दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉन लॉक का क्या विचार था रिलीजियस टॉलरेंस पर, अर्थात धार्मिक सहनशीलता या धार्मिक सहनशीलता पे क्या विचार था जॉन लॉक का। तो सबसे पहले जॉन लॉक का धर्म पे क्या विचार था, इस चीज को जानिए। जॉन लॉक एक धार्मिक व्यक्ति थे, एक आस्तिक व्यक्ति थे, मतलब वह एक थीस्ट थे, बिलीवर थे, और उनको क्रिश्चियनिटी में काफी ज्यादा बिलीव था, टाइम टाइम पे चर्चेस जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो जॉन लॉक के जस्ट उलट, ये इतने बड़े आस्तिक नहीं थे। अर्थात देखिए, तीन टर्म्स होते हैं। एक तो होता है अथिस्ट, अथिस्ट होता है नास्तिक जो सिरे से भगवान को नकार देता है। दूसरा होता है थीस्ट जो कि होता है आस्तिक या बिलीवर भी उसको हम लोग कहते हैं, जो कि मानता है कि भगवान है। और तीसरा होता है एग्नोस्टिक। जो एग्नोस्टिक होता है इसका 50-50 रहता है, इसको पूरा ये भी ये नहीं बोलता है कि भगवान नहीं होते और पूरा ये भी नहीं मानता कि भगवान होते हैं। तो थॉमस हॉब्स यही थे, ठीक है, उनको डाउट था भगवान है कि नहीं है, तो ये उतने ज्यादा धार्मिक थे नहीं। थॉमस हॉब्स ने ये भी कहा था कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वह कमांड कर सकता है डिवाइन लॉस को, मतलब राज्य का जो अथॉरिटी है वह डिवाइन लॉस पे भी एप्लीकेबल है। जब मैंने उनके थ्योरी ऑफ सोवेरनिटी को आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य को जो है, स्टेट को जो है, वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लोगों के इंडिविजुअल च्वाइस में। जब लोग जब अपना व्यक्तिगत च्वाइस कर रहे हैं रिलीजन को लेकर, बिलीव को लेकर, तो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को छोड़ देना चाहिए व्यक्ति के ऊपर कि वह किस धर्म को मानता है। वह क्रिश्चियनिटी को मानता है, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत अलग अलग आपके सेक्ट्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैल्विनिस्ट हैं, उसमें भी, तो वह कौन से क्रिश्चियनिटी को मानता है, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिज्म को मानता है या कैथोलिक जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको मानता है। तो जॉन लॉक इस बात का समर्थन करते हैं, मतलब राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के अगर आप सेक्युलरिज्म को देखिएगा तो आज का सेक्युलरिज्म क्या कहता है, जो धर्म निरपेक्षता का जो सिद्धांत है, कि आप चाहें तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप चाहें तो धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन जॉन लॉक ये ऑप्शन नहीं देते। जॉन लॉक कहते हैं कि भाई, स्टेट को जरूर ये देखना चाहिए कि कोई अथिस्ट उनके राज्य में ना हो, क्योंकि जो नास्तिक व्यक्ति होता है काफी खतरनाक होता है। जॉन लॉक के अनुसार नास्तिक व्यक्ति इसलिए खतरनाक होता है कि जितने भी वायदे होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, जितना भी वह शपथ लेता है, जो कि एक मानव समाज में एक बॉन्ड को क्रिएट करता है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता अथिस्ट के लिए। झूठा प्रॉमिस कर देगा, कानून जो बनाएगा उसके खिलाफ, मतलब उसके हिसाब से चलेगा नहीं। जो शपथ लेगा, मान लीजिए आज MP कोई शपथ ले रहा है, और मान लीजिए वह नास्तिक है, बोलता है कि मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, तो उसके लिए तो ईश्वर ही नहीं है, तो वो क्या अडेयर करेगा उसने जो शपथ लिया, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद, अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता अगर उस टाइम में मैं रहता तो, क्योंकि मैं भी इससे ही बिलोंग करता हूँ कहीं ना कहीं। तो जॉन लॉक जो है अपने रिलीजियस टॉलरेशन के जो विचार होते हैं वह एक बुक में लिखते हैं जिसका नाम होता है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉक कहते हैं कि स्टेट को टॉलरेंट होना चाहिए, स्टेट को सहनशील होना चाहिए अपने नागरिकों के टुवर्ड्स, ठीक है, और रिलीजियस चॉइसेस को लेकर उनको फ्रीडम देना चाहिए। हॉब्स ने ये कहा कि रिलीजन और जो कॉन्साइंस है ये भी राज्य के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन लॉक ने कहा कि नहीं, लोगों के पास चॉइस होना चाहिए, व्यक्ति के पास, कि वह कौन से धर्म को चुनना चाहता है, कौन से बिलीफ को चुनना चाहता है, उसका पर्सनल चॉइस हो, वही अच्छा है। जो लॉक है ये फेवर नहीं करते हैं कि आप फोर्सफुली अपने बिलीफ को चेंज करा दो या फिर किसी और के बिलीफ पर उसको थोप दो, अपने बिलीफ को किसी और के ऊपर थोप दो, ये सही नहीं है, वह इस चीज को समर्थन नहीं देते। लेकिन फिर भी जो जॉन लॉक है, he is not tolerant towards the atheist, जो नास्तिक लोग हैं उसके खिलाफ वह सहनशील नहीं है, सहिष्णु नहीं है, इस चीज को आपको
ध्यान रखना मैंने आपको बताया ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि फिर उनके अनुसार प्रोमिसेस जो आपके कानून और जो ओथ्स होते हैं, जो शपथ होता है, उसका कोई मायने नहीं रखता नास्तिकों के लिए। लेकिन मेरा इससे उलट मानना है, जो नास्तिक होते हैं मेरे ख्याल से वो धर्म से ऊपर उठकर मानव समाज की सेवा करते हैं, उनका जो एकमात्र धर्म होता है वह मानवता होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो हमने जॉन लॉक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, पहले वाले जो जितने भी थिंकर्स हैं उनको भी आप विजिट कीजिए। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो गूगल पे या फोन पे के माध्यम से आप जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और नोट्स जो है वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले थिंकर के साथ।